ओपन करो प्रोजेक्ट। सर हाँ जी, सर वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट खोलो, एडमिन पार्ट खोलो वेबसाइट पे, ब्राउजर, चलो ब्राउजर पे अपना चालू करो। और आप लोग अपने प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर नहीं कर रहे होगे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होगे। अगर आप ये काम नहीं कर रहे होगे ना तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे होगे, ध्यान रखना आप लोग। से कर उससे रहे बड़ी हैं गलती तो आप कर ही प्रैक्टिस। नहीं सकते, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सब भूल जाओगे। आप अपना पोर्ट चेक करो, पोर्ट कौन सा है आपका, एनपीए में जाके चेक करो पोर्ट कौन सा है। हो गया, चलो चलो फुल स्क्रीन करो इसको, फुल फुल कर लो। और सब लोग अपना जो ब्लॉक का डिजाइन, ये लोगों को सब चेंज कर लो, है ना। अब उस पर एडमिन खोलो, एडमिन वाला पार्ट ओपन करो, स्लैश एडमिन डैशबोर्ड चालू करो, लिखो स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड था ना, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, हाँ यही, ठीक है बढ़िया। चलो अब इसमें था ना डिस्प्ले ब्लॉक, उस पर आ जाओ, डिस्प्ले ब्लॉक पे आ जाओ, हाँ इस पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो। हाँ अब मैं क्या करना है, तो तुम्हारा कैंसिल हो रखा है कि पहले से, तुमने कब इंसर्ट कर लिया, तुम इसी बैच के, दूसरे बैच के हो। नहीं नहीं सर, इंसर्ट नहीं किया वो, सिर्फ वैसे ही डेटा लिख लिख के देखा था, उसको हटा दूंगा मैं। अच्छा तो वैसे ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है फिर, जी, चलो ठीक कोई नहीं, फिर तो बात बता देंगे, चलो आ जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है ब्लॉक इंसर्ट। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऐड ब्लॉक वाले बटन पर। हमने इस पे क्या कॉल करवाया था आपको, मॉडल, क्लिक करो इस पे, मॉडल कॉल हो रहा है, सबका मॉडल कॉल हो रहा है इस पे, बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मॉडल कॉल हो रहा था सबका। अब इस मॉडल के अंदर यस तीन फील्ड सर, है, तीन है, तो अभी हम क्या करते हैं, इमेज वाले कोड को बंद कर देते हैं। तो अभी हमें देखो, हमने फील्ड कितना ही है, जो हमारा जो मॉडल के अंदर, जो हमारा प्रोजेक्ट मॉडल है ना, मॉडल के अंदर हमें बनाना ब्लॉक मॉडल, जाना उसमें ब्लॉक मॉडल हमारी कितनी फील्ड है, देखो ब्लॉक के अंदर तीन फील्ड है ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना। तो हम फॉर्म के अंदर भी कितनी फील्ड रखेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखेंगे, है ना। चलो आ जाओ फॉर्म में, चलो फॉर्म का कोड दिखाओ, एचटीएमएल वाला, इसका कोड दिखाओ एचटीएमएल का, जी एडमिन के अंदर ब्लॉक में होगा, एडमिन के अंदर ब्लॉक में, व्यू में एडमिन के अंदर ब्लॉक में चले जाओ, हाँ ब्लॉक डिस्प्ले पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और हाँ नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, सबसे लास्ट में होगा मॉडल, सबसे लास्ट में मॉडल होगा, इस मॉडल को ओपन करो और नीचे आ जाओ, नीचे आओ, इमेज वाला कोड अभी अभी के लिए बंद कर दो, इमेज वाला कोड अभी के लिए बंद कर दो, डिप कमेंट कर दो उसका, इमेज वाले का स्टेप को कमेंट कर दो, ठीक है। और जो ले रहा बीटीएन में जो माइनस हगा, इसको हटा दो, क्लास में बटन के अंदर, बटन में जो क्लास हगाई ना बीटीएन और माइनस हगा, इसको हटा दो, माइनस को, माइनस अकेला जो बीटीएन के माइनस लगा रखा, हाँ ये इसलिए वो काम नहीं कर रहा तुम्हारा बटन वो, ठीक है। ऊपर चलो और नेम में टाइटल जो लिखा है ना, टेक्स्ट एरिया में इसको डिस्क्रिप्शन लिखो, टेक्स्ट एरिया में नेम में क्या आएगा, नेम में डिस्क्रिप्शन आएगा ना, आपके मॉडल में फील्ड कौन कौन सी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही फील्ड हम यहां पे लिखेंगे। और स्पेलिंग सही लिखना सब लोग, डी स्मॉल में है तो डी स्मॉल में लिखो, डी स्मॉल करो, नेम में हमेशा स्मॉल में आती चीजें, जो आपने मॉडल के अंदर बनाई है ना फील्ड है वही सेम है, लिखो डी स्मॉल करो, डिस्क्रिप्शन का डी स्मॉल, अरे डी स्मॉल है तो ये वहां पे भी डी स्मॉल ही कर दो, डी स्मॉल में रखे जाते हैं फील्ड के नेम, स्मॉल में होते हैं। ऊपर चलो और ऊपर इनपुट में भी नेम में टाइटल करो, ऊपर चलो, यहाँ टाइटल है, ठीक है चलो। इतना आप लोग जल्दी सही करना अपना फॉर्म, इतना फॉर्म आप लोग भी सही कर लो, नेम में टाइटल, दूसरे में डिस्क्रिप्शन। अब मुझे एक कहानी बताओ, सब लोग डिजाइनिंग सीख के आए थे, सबको एक कहानी पता थी कि जब भी हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले डेटा कहाँ आके स्टोर होता है, बताओ, बाकी लोग को नहीं पता, तेरे लोग एच पे,
जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, अभी ब्लॉक वाला सबमिट करोगे, तो डेटा कहाँ के सबसे पहले स्टोर होता है? डिजाइनिंग सिखाया था फॉर्म में ही। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नेम में होगा ना सर, आप लोग नेम में होगा ना सर, नेम में। बाकी लोग पढ़ते, हाँ नेम में तो होगा, तो बाकी लोग पढ़ते नहीं क्या? अभी आपको इतनी छोटी सी चीज नहीं पता, डिजाइनिंग में आप लोगों को सिखाया गया था, जब भी हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, सबसे पहले डेटा नेम के अंदर जो दिए होते हैं वेरिएबल, उसमें आके स्टोर होता है। जेंडर वाली कहानी में सिखाया था, जेंडर का जब अपन यूज कर रहे थे तब, ठीक है, ये याद रखा करो चीज आप लोग, फायदा क्या फिर पढ़ाने से इतना आगे। आ जाओ चलो कोड में आ जाओ, अगर कोई इंटरव्यू में पूछ लेता तो बता भी नहीं पाओगे आप, बेइज्जती हो जाएगी आपकी फिर। चलो अब फॉर्म के अंदर एक्सेल में दो, अब क्या होगा सब सुनो, अब सब सुने, हम जब फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, तो सबसे पहले डेटा नेम में आके स्टोर होगा, नेम के अंदर जो वेरिएबल होंगे। अब जो डेटा को हमें लेके कहाँ पे जाना है ना, वो हम एक्सेल में देते हैं। हम डेटा को लेके कहाँ पे जाएंगे? राउट पे, और राउट से बनाएंगे हम एक मेथड, वहां पे लेके आएंगे। डेटा कहाँ लेके आना होगा पहले हमें? हमें डेटा लेके आना होगा पहले कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, डेटा वहीं पे तो आएगा, और वहां से डेटा जाएगा मॉडल के पास, मॉडल से कहाँ चला जाएगा? MongoDB में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो डेटा जाएगा सबसे पहले राउट के पास, राउट से जाएगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो अब कैसे जाएगा? वो जाएगा एक्शन की मदद से। तो एक्शन लिखो इंसर्ट ब्लॉक, एक्शन लिखो स्लैश इंसर्ट ब्लॉक, एक्शन के अंदर लिखो माउस लेके ऊपर एक्शन में दिया है लाइन नंबर 128 स्लैश इंसर्ट ब्लॉक, स्लैश लगाना जरूर, इंसर्ट ब्लॉक समझाने के लिए आप। और मेथड क्या आएगा हमेशा? पोस्ट, लिखो डबल कोट के बाद, डबल कोट के बाद स्पेस देके मेथड पोस्ट। गेट में क्या होता है? गेट में यूआरएल में डेटा शो होता है ना, और गेट की कुछ लिमिटेड रहती हैं, और जो डेटा जाता है ना वो पोस्ट की मदद से उठ के जाता है। पोस्ट में क्या होता है? डेटा एक तो आपका यूआरएल में शो नहीं होता है, आप कितना भी डेटा ले जा सकते हो पोस्ट की मदद से, ठीक है। तो अब क्या होगा? जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो डेटा नेम में आएगा, नेम के टाइटल में पहुंच जाएगा, नेम के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएगा, फिर देखिएगा कि मुझे डेटा कहाँ लेके जाना है। तो मैंने लिखा है एक्शन के अंदर इंसर्ट ब्लॉक, और मेथड क्या दे रखा है? पोस्ट, है ना। तो डेटा सिक्योर होगा, यूआरएल में शो नहीं होगा। अब यहाँ से डेटा जी कहाँ चला जाएगा? राउट के पास, और राउट में जाके क्या देखिएगा कि इंसर्ट ब्लॉक कहाँ लिखा हुआ है, और फिर उसका कंट्रोलर देखेगा, और फिर उसका मेथड देखेगा। पहले जवाई लाइन लिखो सब लोग जल्दी से, एक्शन और मेथड सब लिख लो, और नेम में और नेम में और ये डिस्क्रिप्शन से लिख लेना स्पेलिंग है, ये आप लोगों की एरर नहीं होनी चाहिए। लिख लिया सुनने इतना? यस सर। चलो अब हम चलते हैं राउट पे, राउट पे आ जाओ, web.js पे आ जाओ, web.js पे, web.js पे। चलो आओ नीचे आ जाओ, नीचे आओ, ब्लॉक वाला कहाँ चल रहा है? नीचे आओ, ब्लॉक वाला जी निकल गया जी, ब्लॉक वाला ऊपर, ब्लॉक वाला, हाँ यही ब्लॉक वाला जो नीचे ब्लॉक डिस्प्ले है ना, इसी के नीचे आ जाओ, ब्लॉक डिस्प्ले के नीचे आ जाओ, इसी के नीचे लिखो राउट डॉट पोस्ट। अब क्या लिखा जाएगा? पोस्ट, देखो राउट डॉट पोस्ट हो गई। अब जो डेटा आपका उठ के आ रहा है ना, वो पोस्ट में उठ के आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पोस्ट यूज करेंगे। जो डेटा उठ के आता है ना, वो पोस्ट में उठ के आता है। ब्रैकेट लगाओ, फंक्शन का साइन लगाओ, सिंगल कोट में स्लैश इंसर्ट स्लैश इंसर्ट ब्लॉक, फिर बाहर जाओ सिंगल कोट के, कंट्रोल का नाम दो, फिर मेथड का नाम दो, इंसर्ट ब्लॉक, इससे आपको समझ में आ सके। ब्लॉक कंट्रोलर,
ब्लॉक कंट्रोलर लिखो वो अपने आप आ जाएगा। लिखो डॉट इंसर्ट ब्लॉक, मेथड का नाम भी सेम रख लो, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो चीजें। इंसर्ट ब्लॉक, सब राउट नोट कर लेने वाला, थोड़ा सेटिंग में जाना, सेटिंग में नीचे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग जी सेटिंग, इस पर फॉन्ट साइज बड़े कर दो ना, सेटिंग पे क्लिक करो, सेटिंग पे क्लिक करो, 27 करो उसको, 27 नीचे 27। हाँ, और अब कोड पे आओ, वेब पे जाओ, वेब पे जाओ, वेब वाली फाइल पे, वेब डॉट जेएस पे। अब कंट्रोल माइनस करो, कंट्रोल माइनस करो, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, और दबाओ कंट्रोल माइनस, बस ठीक है। अब से नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, छोटा कर दिया, और बड़ा करो, बस ठीक है, चलो। हाँ, सबका राउट बन गया, मैंने इतना नहीं था, थोड़ा कम कर लो, एक कम कर लो, सबका राउट बन गया, बस ठीक है, बताया करो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर राउट बन गया, हाँ जी बोलो सर। ये गेट और पोस्ट का यूज, गेट का काम क्या होता है, डेटा को गेट करके लेके आना, पोस्ट का काम क्या होता है, डेटा को पहुंचाना। yes, जो डेटा आपको उठ के, जब आप फॉर्म भर के सबमिट कर रहे हो ना, और जो डेटा उठ के आ रहा है ना, वो पोस्ट की मदद से उठ के आ रहा है। और पोस्ट में क्या होता है बताता हूँ, डेटा यूआरएल में शो नहीं होता है, और गेट में क्या होता है, डेटा यूआरएल में शो होता है। पोस्ट में आप कितना भी डेटा ले जा सकते हो, इमेज में सब कुछ, ठीक है, सिंपल। देखो गेट में क्या होता है, डेटा को गेट करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल समझो। और पोस्ट का काम क्या होगा, डेटा को लेके जाना। तो जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, नेम में डेटा के स्टोर होगा, फिर वो देखेगा कि डेटा मुझे लेके कहाँ जाना है, पोस्ट देखिएगा ना डेटा लेके कहाँ जाना है। तो मैंने दिया ना इस इंसर्ट, इंसर्ट ब्लॉक पे लेके जाओ, तो लेके कौन जा रहा है, वहां पे लेके कौन जा रहा है, ये पोस्ट ही तो लेके जा रहा है डेटा आपके उठा के, ठीक है। yes, अब आ जाओ मेथड पे, अब आ जाओ मेथड पे, ब्लॉक कंट्रोलर पे चलो, एडमिन के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर, हाँ इसी के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 7 के नीचे, लाइन नंबर 7 के नीचे आ जाओ, लिखो स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक इंसर्ट ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक इक्वल असिंक। अब देखो हम क्या यूज करने वाले हैं, पहले असिंक लगा दो, असिंक अब यूज करेंगे हम, अब Async, नीचे आ रहा async का वेट सिखाया था ना, फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन लगाओ, अब लिखो req कॉमा res, अब हम क्या यूज करेंगे, async await try catch, जो आपको सिखाया गया था। अब एरो फंक्शन लगाओ, अब आप जो भी मेथड बनाओगे ना, उन सब में आप async await लेके चलना, खाली वेक्स लगा दो, try लिखो, try ट्राई क्या सिखाया था, ट्राई कर लिया, कैसे लगाओ, एंटर दो, एंटर दो, कैच लिखो नीचे, एंटर देके कैच लिखो, थोड़ा स्पीड लिखो, फास्ट लिखा करो, एंटर दो ना, एंटर। सर इसके बाहर आना है क्या कर्ली ब्रैकेट के, अरे अंदर, हाँ एंटर दो ना, तो नीचे अपने आप आ जाओगे ना, कर्ली ब्रैकेट के एंटर दे दो। अब जो लाइन नंबर 11 पे आओ, वहां पर कैच लिखो, कैच कैच कहा लिखते हैं, कैच, अरे अरे अरे, अरे भगवान, अब ट्राई कैच भी बताना पड़ेगा कहाँ लिखा जाता है, लाइन नंबर 12 तो सर ये बाल, यहाँ पे कैच बाल लिखते ना सर, डॉट कैच, कैच बगल में लिख दो, बगल में डॉट नहीं आएगा, बगल में लिख दो, बगल में उसके कैच ये लिख दो, कैच चिपका के उससे थोड़ा, उससे थोड़ा चिपका के लिख दो, कैच कैच CATCH, फंक्शन का साइन लगाओ, सुनो को एरर, ई डॉलर सिखाया था ना जावास्क्रिप्ट में सब कुछ, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लो आर एस के, और कंसोल डॉट लॉग कर लो, बाहर बाहर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, देखो कहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा रहे, कैसे जॉब मिलेगी तुम लोगों को,
यहाँ लगाओ एंटर दो। अब देखो कंसोल डॉट लॉग सब पढ़ाया था ये चीजें। फंक्शन का साइन लगाओ, लिखो उसके अंदर एरर, सिंपल एरर, सिंपल एरर भाई, सिंपल एरर। अरे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्यों आएंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट आएंगे तो ये एरर स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करेगा। ट्राई कैच में क्या होता है, फंक्शन का साइन लगाओ, सिंपल एरर लिखो, फंक्शन का साइन तो लगा लो भाई, कंसोल वाला प्रैक्टिस नहीं करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो बस। कंसोल में इतना स्पेस क्यों दे दिया, स्पेस कम करो। कंसोल में जो लॉक के बाद, लॉक के बाद जो स्पेस दे रखा है देखो कहां दे, कहां चेक कर रहा है। अरे लॉक के बाद, लॉक के बाद है ना, थोड़ा देखो चीजें, मतलब हालत खराब है लोगों की। लाइन अब ट्राई कैच का क्या रोल होता है, हम जी सब पढ़ चुके आए हैं। सो जो कोई आपसे बोले अभी ट्राई कैच सिंटेक्स लिख के दिखाओ, हम वही लिख पाएंगे, तो जॉब की उम्मीद फिर आप करी क्यों रहे हो आप लोग, सोचो आप लोग। ट्राई का काम क्या होता है कि भाई पहले जो मुझे कोड लिख रहा है इसके अंदर, इसको आप ट्राई करो, अगर उसमें कोई एरर आती है तो वो कैच में दो, कैच के अंदर लिखा गया ना जो एरर उसमें एरर डाल दो और उसी एरर को हम कंसोल कर देंगे। सिंपल, सब पढ़ाया जावास्क्रिप्ट में, नोड में पढ़ाया, यही सब थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि पढ़ गए भूल गए, मतलब ही नहीं उसको यूज करना। चलो अब ट्राई के अंदर आ जाओ, कंसोल लिखो, ट्राई के अंदर देखो कंसोल डॉट लॉग, अंदर नीचे आके अंदर उसके अंदर, अंदर ट्राई के अंदर, अंदर आ जाओ अंदर, एंटर इसी में लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, लॉग फंक्शन का साइन लगा लो, सिंगल कोट में लिख दो हेलो, सिंगल कोट में लिखो हेलो, हेलो हाँ बस। और राइट क्लिक करो, नेक्स्ट राइट क्लिक करो, कहीं पे भी फॉर्मेट सेट कर लो, नीचे आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बस इस पर तुम क्लिक कर दो, कंफर्म कर दो, इस पर क्लिक कर दो। अब नीचे आ रहा है जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दो, टाइप स्क्रिप्ट दिखा रहा है ऊपर, देखो पॉपअप आया, इस पर क्लिक कर दो, बस अपने आप उसने सेट कर दिया तुम्हारा कोड। तो जब ये भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, चलो इतना में लिख लिया, इतना पहले आप लोग भी लिख लें। इतना नोट आप लोग भी कर लो, रंग पर खिसका देना, जब तक आप लोग वेबसाइट पे रिफ्रेश करो एक बार इसको। अब सब कहानी सुनो, एक कहानी करो। अब क्या होगा, जो एड ब्लॉक, एड ब्लॉक पर जाओ, एड ब्लॉक पर जाओ, क्लिक करो। अब क्या होगा, मैं इस फॉर्म को भर के सबमिट करूंगा, मान के चलो मैंने ये फॉर्म भर के सबमिट किया, तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, फॉर्म पे जाएंगे, तो फॉर्म पे आओ, फॉर्म पे चलो, फॉर्म पे आओ, ये फॉर्म बनाया हमारा, हम इस फॉर्म पे आ जाएंगे और इसके अंदर क्या होगा, नेम में, नेम के अंदर टाइटल है उसमें टाइटल स्टोर हो गया, दूसरा नेम में डिस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्रिप्शन स्टोर हो गया, ठीक है। अब जो ऊपर दिखाया मेथड पोस्ट, अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये डेटा मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो मैंने उससे क्या कहा, एक्शन लिखा, जो लिखा ना एक्शन, मैंने कहा भैया ये डेटा तुम इंसर्ट ब्लॉक पर लेके चले जाओ। अब लेके कौन जा रहा है, मेथड ये पोस्ट, ठीक है। अब एक इंसर्ट ब्लॉक कहां पर बना हुआ है, कहां जाएगा, सीधा यहां से फिर वो राउट पे जाएगा, आओ राउट वेब डॉट जेएस पे आओ, वेब डॉट जेएस पे आ जाओ। अब वो यहां पे क्या देख रहा है कि इंसर्ट ब्लॉक कहां लिखा हुआ है, उसको मिल गया लाइन नंबर 24 पे इंसर्ट ब्लॉक लिखा हुआ, फिर देखेगा कि मुझे कौन से कंट्रोलर पे जाना है, फिर देखेगा मुझे कौन से मेथड पे जाना है, ठीक है। तो आ जाओ कंट्रोलर मेथड पे, आ जाओ कंट्रोलर मेथड पे, आ जाओ, ठीक है, कंट्रोलर के जी मेथड पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी क्या करवा रखा है, कंसोल डॉट लॉग में हेलो, क्योंकि मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि हम फॉर्म भर के सबमिट कर रहे हैं, हम इस मेथड पे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पहले, है ना। जब हम इस मेथड पे आ जाएंगे फिर हम डेटा भी उठा, डेटा भी शो करा लेंगे अपना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉइंट क्लियर। चलो आओ अब फॉर्म भर के सबमिट करो, देखते हैं कि हम यहाँ तक आ भी रहे कि नहीं आ रहे हैं,
जा फॉर्म भरो उसको, अभी तो कुछ भी भर दो कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ भी हाँ बोलो सर, थोड़ा जाना था, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रही है। यस सर। चलो सबमिट करो, कर दिया। अब जाके चेक, अब देखो यार कंसोल में हेलो आ लिखा आया कि नहीं आया। वीएस कोड जाके चेक करो, वीएस कोड कंसोल में देखो नीचे लिखा आ गया हेलो, नीचे देखो बॉटम में नीचे लिखा तो हेलो दिखा है, हेलो लिखा हुआ हेलो, अरे वो नीचे लिखा तो है डेटाबेस कनेक्ट के नीचे दिख गया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि हम यहां तक तो आ गए, ठीक है। अब बस हमें डेटा शो कराना है और डेटा भी आ गया होगा यहाँ पे, है ना। तो चलो पहले आप लोग भी चेक करो था और बताओ यहां तक आ रहे कि नहीं आ रहे। जब तक आपको हेलो नहीं आ रहा होगा ना तब तक आगे प्रोसेस करना बेकार है आप लोगों को। चेक करो आप लोग लिखना, मैंने चैट में दे रहा हूं ये कोड, आप app.js में जाकर पेस्ट कर लो। एक लाइन का है app.use.xspace.url encoded, कॉपी कर लो। और देखो ये पेस्ट कहां करना है, ये पेस्ट करना है लाइन नंबर 9 पे। और ये बात सब सुन लो, ये राउट के ऊपर ही पेस्ट करना है, जो यहां पे लिखा है ना app.use/web इसके ऊपर ही पेस्ट करना ना, फिर आपका डेटा नहीं उठ के आएगा, ठीक है। जो वहां से डेटा आएगा ना वो एक सिंपल फॉर्मेट में आता है यूआरएल से। अब ये क्या करेगा, आपके डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके वहां पे दिखा देगा हमें कंसोल में, ठीक है। चलो अब आ जाओ उस पर, आ जाओ अब आ जाओ उस पर ब्लॉक वाले कंट्रोल पे आ जाओ। अब डेटा शो कराता हूं, देखो ब्लॉक कंट्रोल पे आओ, आ जाओ। अब जो लिखा ना हेलो इसको हटा दो, ये लिखो REQ, देखो डेटा किस REQ में, ये हटा दो हेलो हटा दो, सिंगल कोट हटा दो। अब जो डेटा सिंगल कोट हटा दो, अब लोग REQ रिक्वेस्ट आ रही है ना, REQ.body क्या लिखते हैं हम लोग, REQ.body इसी के अंदर आपका पूरा डेटा उठ के आएगा, REQ.body के अंदर। कंसोल में पहले चेक करेंगे हम डेटा उठ के आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सेव करो, अब फॉर्म पे जाओ, अब फॉर्म पे जाके दोबारा से फॉर्म भरो, वेबसाइट जाओ, वेबसाइट पे बैक करके दोबारा से फॉर्म भरो, बैक कर लो, बैक कर लो, बैक उसको बैक करके रिफ्रेश कर लो। हाँ अब बस एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश नहीं हुआ वो अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है वो जब कोड चेंज करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं हम लोग। बटन पे क्लिक करो, फॉर्म भरो, अब भरो फॉर्म। और हमें जो डेटा दिखेगा ना जेसन में, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखेगा, ऑब्जेक्ट समझ लो जेसन समझ लो। अब सबमिट करो, अब जाके चेक करो वो वीएस कोड में जाके, देखो सब लोग जाके डेटा देखो आ गया, देखो देखो आ रहा ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ, देखो ऑब्जेक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन। आप लोग भी चेक करो डेटा आउट क्या आ गया है, अब इनको दिखा दो मेथड, फायदा भी नहीं होगा है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ चीजें। चलो आ जाओ, अब उसी पे आ जाओ, ब्लॉक कंट्रोल पे आ जाओ। तो हमारा डेटा आउट क्या आ गया, अब इस डेटा को हमें कहाँ पहुंचाना होगा, वही सिंपल समझो कि हमने बेटर को ऑर्डर दे दिया कि बेटर तुम दाल चावल रोटी बना लो, ठीक है जी। हमने बेटर को ऑर्डर दे दिया तो बेटर के पास ऑर्डर आ गया दाल चावल रोटी वाला। अब यहां से बेटर वो डेटा कहां पहुंचा देगा, मॉडल के पास। मॉडल में क्या देखेगा, कलेक्शन का नेम और फील्ड, फिर वही फील्ड जाके कहां ढूंढेगा, वो MongoDB के अंदर, उसमें और MongoDB के अंदर फील्ड ढूंढेगा, कलेक्शन ढूंढेगा, वहां पर जाके इंसर्ट कर देगा, बस सिंपल सा, ठीक है। बेटर भी तो जाता है सेफ के पास, जाता ही जाता है कि सर ये खाना दो, ठीक है। और जैसे इंसर्ट हो जाएगा हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलो कंसोल बंद कर लो, कंसोल कमेंट कर लो, कमेंट लाइन नंबर 19, अरे 10 वाला कंसोल कहां देख रहे हैं, कंसोल कमेंट उसी को तो करोगे। चलो अब आ जाओ, अब लिखो यहां पर लिखो कॉन्स्टेंट
देखो ट्राई, उसी के नीचे कंसोल के नीचे लिखा जाएगा कॉन्स्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल अवेट। अब देखो आसिंग का वेट का यूज हो रहा है, आदिश पूरा रिजल्ट इक्वल अवेट, अवेट स्पेस देके ब्लॉक मॉडल, क्योंकि डेटा कहाँ जाएगा उठ के यहां से, ब्लॉक मॉडल के पास, ऊपर डिफाइन किया आपने वही, ऊपर डिफाइन किया था ना वही, समझ में आ गया। डॉट क्रिएट सिंपल, कई तरीके से इंसर्ट होते हैं पता है, कई तरीके से इंसर्ट होते हैं। मैं अभी आपको सिंपल वाला तरीका सिखा रहा हूं, क्रिएट और फंक्शन का साइन लगाओ, उसमें देखो आरई क्यू डॉट बॉडी, आरई क्यू डॉट बॉडी, बॉडी। देखो ये तरीका कब चलेगा, जब आपके फॉर्म के अंदर जो नेम और जो नेम है ना, नेम के अंदर टाइटल और नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन सेम नाम होने चाहिए मॉडल वाले, जो मॉडल के अंदर आपने फील्ड में जो नाम दिए ना वही सेम नाम होने चाहिए फॉर्म के नेम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो एक लाइन में कोड जाता है हमारा क्रिएट वाला, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे आ जाओ, लिख लिया। अब नीचे देखो आर ई एस, आर ई एस डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कर दो, वापस से हम डिस्प्ले वाले पेज पहुंच जाएंगे ना, रीडायरेक्ट। पहले कंसोल कर लो, रीडायरेक्ट मत करो, पहले कंसोल कर लो, रुको हटा हटाओ, पहले कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉक रिजल्ट कर लो, देखते ना क्या आ रहा, कंसोल डॉट लॉक फंक्शन का साइन, इसमें देखो रिजल्ट, देखते ना कि इंसर्ट होने के बाद आ क्या रहा है रिजल्ट। बस अब देखो क्या होगा, सब सुनो, अब हम यहाँ से वो डेटा कहाँ भेज रहे हैं, अब देखो हम जी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट बोलता क्रिएट मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, सीधा ब्लॉक मॉडल के पास, चलो ना ब्लॉक मॉडल के पास चलो ना, ब्लॉक मॉडल के पास चलो, हमने यहाँ पे कोड क्वेरी चला दी इंसर्ट वाली, अब यहाँ से गया ब्लॉक मॉडल के पास, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कलेक्शन का नेम नीचे दिख रहा है ना, कलेक्शन का नेम ब्लॉक, फिर फील्ड दिख रहा है कौन कौन सी फील्ड है। अब यही सेम चीज कहाँ जाके ढूंढेगा, MongoDB के अंदर, कलेक्शन का नेम और फील्ड नेम अगर सेम मिलेंगी तो डेटा इंसर्ट कर देगा, नहीं मिलेंगी तो एरर दे देगा, ठीक है। सेव कर दो, अब जाके चलो इंसर्ट करो, सिंपल से एक लाइन की क्वेरी, बस प्रैक्टिस करनी होगी आपको, जाओ फॉर्म भर के सबमिट करो, इंसर्ट करो जाके, चलो वेबसाइट पे आ जाओ, वेबसाइट चलो बैक करके रिफ्रेश करो, बैक कर लिया करो, बैक करते हैं और रिफ्रेश करो, जब भी कुछ कोड चेंज करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। क्लिक करो ऐड ब्लॉक पे, भरो कुछ भी, नीचे भी कुछ भी भरो, सबमिट करो। अब जाके देखो VS कोड में डेटा आउट क्या आया कि नहीं आया, सब देखो डेटा आउट क्या आ गया, देखो देखो मॉडल ने रिस्पांस दिया, देखो टर्मिनल थोड़ा ऊपर करो, नीचे टर्मिनल वाला, नीचे टर्मिनल को दिखाओ, नीचे डेटा जो आ रहा है, देखो डेटा आउट क्या आ गया, ये थोड़ा स्क्रॉल तो कर दो, वो दिख तो जाए पूरा, स्क्रॉल आया है तो साइड में, अरे स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहे हो, स्क्रॉल दिया तो है राइट में भाई, यार वो जूम कर दिया उसने, टर्मिनल में स्क्रॉल करना होता है, टर्मिनल में दिया तो होता है स्क्रॉल भाई, हाँ जी यही स्क्रॉल ऊपर ऊपर कर थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस। अब देखो अब सब देखो अब सब देखो यहां देखो क्या पंगा हुआ, यहां पे इंसर्ट तो हुआ मगर सब क्या इंसर्ट हुआ, आइडिया के लिए, क्या इंसर्ट हुआ अकेला, आईडी अकेली हुआ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डेटा गए ही नहीं। सब लोग आप देख पा रहे हो, सब लोग यहां पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डेटा तो गए ही नहीं, दिख रहा है आपको कहीं जाते हुए।
क्यों सब लोग गया डेटा और चैट डिस्क्रिप्शन उठ के देखो अब क्यों नहीं गया टर्मिनल नीचे करो टर्मिनल को थोड़ा नीचे करो टाइटल की स्पेलिंग और डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग से लिखिए ना सर फॉर्म में शायद नेम नहीं दिया नहीं नेम तो दिया उसने उसको कोड पे चलो कोड पे क्वेरी पे आओ ब्लॉक अरे उस पर आओ कंट्रोलर पे चलो कंट्रोलर पे महाराज नेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखें अब उस पर आओ नीचे आओ नीचे आओ अरे इतना नीचे तो जाना है कोड में इतना नीचे क्यों आ गए उसी क्वेरी में आ जाओ ना चलो एक काम करते हैं रुको रुको इसको दूसरे तरीके से करते हैं रुको ये डाना क्रिएट ये डाना क्रिएट इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं ठीक है हाँ अब जो लिखा है ना अबेट अबेट इसको न्यू लिख दो आप इनके तरीके से करते हैं जो अबेट लिखा है ना अबेट इसको न्यू कर दो अपन इसको उससे करते हैं ऑब्जेक्ट तरीके से तो वो वाली झंझट भी खत्म रहेगी ठीक है ब्लॉक मॉडल और ब्लॉक मॉडल के बाद नीचे आओ जी जी आर ई क्यू लिखा है डॉट 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 लगा हुआ ना डॉट डॉट लगा हुआ ना आर ब्लॉक मॉडल के बाद डॉट लगा रखा है जो ब्लॉक मॉडल के बाद डॉट है इसको हटा दो और आर ई की डॉट बॉडी बिठा दो अंदर से उसके हम क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट के तरीके से इंसर्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो उसके अंदर एंटर दे दो बस चलो अब यहाँ लिखो लिखो यहाँ पर टाइटल अब हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बना के है ना टाइटल कोलन लिखो कोलन देखो आर ई क्यू डॉट बॉडी अब एरर नहीं आएगी आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट टाइटल कॉमा लगाओ नीचे कॉमा लगाओ फिर नीचे आओ फिर लोगों डिस्क्रिप्शन अब जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है ना जो पहले लिखे हैं ये कौन से वाले हैं जो स्कीमा वाले हैं ठीक है और जो लिखा है ना आर ई की डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन ये कौन से वाले हैं जो फॉर्म के अंदर नेम में दिए वो लिखो लिखो आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन सेम लिखा जाएगा डेटा इसी में तो उठ के आ रहा था अभी आपने कंसोल में क्या चेक किया था आर ई क्यू डॉट बॉडी में डेटा इसी में तो उठ के आ रहा था बस अब दस देखो हमने क्या किया अब हम जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट तरीके से कर रहे हैं तो हमने कहा कॉन्स्टेंट रिजल्ट न्यू और ब्लॉक मॉडल और फिर टाइटल जी पहला जो टाइटल लिखा है ना पहला वाला वो कौन सा है मॉडल के अंदर जो स्कीमा के अंदर फील्ड में वो और आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट टाइटल कौन सा है जो आपके फॉर्म के अंदर नेम में दिया है ठीक है अब लाइन नंबर 14 के नीचे आओ लाइन नंबर 14 के नीचे अब हमें क्या करना होगा इस डेटा को सेव करना होगा तो यहां पे लिखो अवेट तरीका वही है अवेट अवेट स्पेस देके रिजल्ट डॉट सेव रिजल्ट डॉट सेव और फंक्शन का साइन लगा दो बस आप करके देखो आप जाओ करो जाके इंसर्ट अब बैक करके इंसर्ट कर देखो रिफ्रेश कर लेना रिफ्रेश है ना अब जाके देखो वीएस कोड में डेटा आया कि नहीं आया उठ के देखो पूरा आ गया सब देखो आ गया मॉडल ने रिस्पांस दे दिया मॉडल ने क्या किया पहले डेटा इंसर्ट किया मोंगोडीबी में और फिर वही होता नहीं है खाना बन गया अब बेटर ने अब जो सेफ है वो खाना किसको देगा वापस से बेटर को देगा ना अब बेटर हमें देगा अब उसमें चलो मोंगोडीबी में अब मोंगोडीबी ओपन करो वहां जाकर देखो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ नीचे मोंगोडीबी ओपन करो अरे सिंपल सच हाँ इसको देखो देखो वहां पर डेटा बेस में डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ
चेक करो। खोलो ब्लॉक पेजेट, दो दो कैसे आ रहे हैं तुम्हारे, उस पर क्लिक करो, ब्लॉक पे क्लिक करो, ब्लॉक पे देखो सब लोग दिख रहे हैं तो डेटा सब लोग देख लो यहां पे। अब इनको दिखाओ, ये लोग क्या देखें, इनको भी दिखा दो कोड जो यहाँ पे सर जो आपने पहले वाला कराया था ना, अपने यहाँ पे डॉट हाँ उससे मेरा हो गया है सर, डॉट क्रिएट वाले से। चल कोई नहीं, ये कर लो अभी, आगे चल के वैसे हम इसी को यूज करेंगे, आगे चल के हम इसी को यूज करेंगे अभी, ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना सेव सेव, ये क्या कर रहा है, आपके डेटा को सेव कर रहा है रिजल्ट के अंदर, रेड नाम का जो है ना ऊपर लाइन नंबर 11 में, उसमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को सेव कर रहा है, और फिर कहां पे लेके जा रहा है, ब्लॉक मॉडल की मदद से मॉडल के पास, ठीक है, वहां पर जाके क्या देखेगा वो कलेक्शन का नेम और जो फील्ड आ रही है वो फील्ड चेक करेगा कि सेम फील्ड है कि नहीं है, फिर कहां जाएगा MongoDB में, वहां पर कलेक्शन देखेगा और फील्ड देखेगा, उसमें डेटा डाल देगा उठा के वो, ठीक है। चला के देखो इतना, सब लोग चेक करें इतना डेटा क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अब तो सिंपल कर दिया, req body.title, ये टाइटल कौन सा है जो req.body में लिखा है, वो फॉर्म के अंदर नेम में लिखा रहता है वो वाला है, याद रखना। चला के साथ देखा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कंसोल कमेंट कर देना आप, कंसोल कमेंट कर दो ना, कमेंट कर लो इसी को। अब उसी के नीचे लिखो res.redirect, वापस से मुझे अब कहां जाना है, ब्लॉक डिस्प्ले वाले पेज पर, फंक्शन का साइन लगाओ, सिंगल कोड लगाओ स्लैश, अब वो उसका पाथ क्या है ब्लॉक डिस्प्ले का दिखाना चाहिए, कनेक्ट वेब में जाना, वेब में URL दिखाना, URL क्या है admin/blockdisplay, ठीक है लिख दो उसमें, सब लोग एक चीज सुन लो, अरे लिखा तो है admin/blockdisplay लाइन नंबर 23 पे, मैं लिखो /admin/blockdisplay, सब एक चीज पॉइंट सुनो, जो लिखा है ना हमने रीडायरेक्ट, इसके अंदर जो लिखा गया है ना /admin/blockdisplay, ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये राउट का URL लेते हैं इसके अंदर, लिख लो कमेंट में उसके नीचे, रीडायरेक्ट के अंदर हमेशा राउट का URL लेते हैं जहां पे आपको जाना है। मैंने कहा जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूं वापस से मैं कहां पहुंच जाऊं, डिस्प्ले वाले पेज पे ही, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा res.redirect, मुझे वो कहां पे रिडायरेक्ट कर दे, ब्लॉक डिस्प्ले वाले पेज पर, तो जो लिखा है ना मैंने /admin/blockdisplay, ये राउट का URL है ना कि पेज का URL, ठीक है, लिख लो राउट का URL लेते हैं इसके अंदर, सबमिट करो, देखो आ गए डिस्प्ले वाले पेज पे ही, और डेटा इंसर्ट भी हो गया होगा, MongoDB चेक कर लो, MongoDB में चेक करो रिफ्रेश करके, रिफ्रेश कर लो, ब्लॉक पे क्लिक कर लो, नीचे आ जाओ, हो गया नीचे, नीचे डेटा आ गया है। चलो इनको कोड दिखा दो,